दोस्तों, क्या एक गरीब किसान का बेटा 10,000 करोड़ रुपयों की कंपनी खड़ी कर सकता है? वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज यश टीवी पे हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर कैसे एक किसान का बेटा केवल 30 वर्ष की उम्र में इंडिया का डिटर्जेंट पाउडर किंग बना और उसने हिंदुस्तान लीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज को भी हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ आपको नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यश टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन हिट करके रखिए। में गुजरात के मेहसाणा गांव में पैदा हुए निर्मा वॉशिंग पाउडर वाले करसनभाई पटेल ने अपने दम पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। 21 वर्ष की उम्र में वे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे और वहीं उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ ली। लेकिन बचपन से उन्हें सरकारी नौकरी की तलाश थी और कुछ सालों बाद उन्हें गुजरात सरकार के माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की नौकरी लगी। कम उम्र में सरकारी नौकरी पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई। 8 घंटे की नौकरी करने के बाद उन्हें बहुत सारा फ्री टाइम मिलता था और वे हर रोज घूमने या फिर सिनेमा देखने नहीं जा सकते थे। शायद उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और ही था। वे एक बीएससी ग्रेजुएट थे तो उन्हें रसायन विज्ञान में बहुत रुचि थी, इसीलिए फ्री टाइम में वे केमिकल्स के प्रयोग करते रहते क्योंकि उसी में उनका मन लगा रहता। और अपने कौशल्य के सहारे करसन भाई ने एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वॉशिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला। फिर साइकिल से जाकर अपने आसपास के इलाकों में अपना वॉशिंग पाउडर बेचने लगे। 8-9 घंटों तक सरकारी दफ्तर में काम करने के बाद घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचना कोई आसान काम नहीं था। उनका पाउडर क्वालिटी में A1 था और काफी सस्ता होने के कारण सभी लोगों को ये पसंद आने लगा। अपने कस्टमर्स की संतुष्टि देखकर करसन भाई बहुत प्रेरित हुए और नए कस्टमर्स को छाती ठोक के कहने लगे, अगर पाउडर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस ले जाना। उस समय ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर 13 रुपयों में 1 किलो मिलता था और वही करसन भाई 3 रुपयों में 1 किलो बेचते थे। उनका पाउडर सस्ता जरूर था लेकिन क्वालिटी के मामले में ब्रांडेड से भी भारी था। वॉशिंग पाउडर के मार्केट में कदम जमाने के लिए करसन भाई ने लगातार 3 सालों तक जी तोड़ मेहनत करी और उन्होंने अपने पाउडर का नाम निर्मा वॉशिंग पाउडर रख दिया। इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है। 1972 में करसन भाई ने अपनी सुरक्षित और आराम वाली सरकारी नौकरी छोड़कर अहमदाबाद में निर्मा वॉशिंग पाउडर की दुकान खोली और फुल टाइम के लिए अपना कारोबार करने लगे। इसके कारण उनके दोस्त और रिश्तेदार उन पर हंसने लगे कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर करसन दुकानदार बन गया। लेकिन करसन भाई ने उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं माना और आगे बढ़ते रहे। फिर जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया, वे अपनी प्रोडक्शन और सेल्समैन बढ़ाते चले गए। अपना कारोबार और आगे बढ़ाने के लिए वे अपना बिजनेस नेटवर्क मजबूत करते गए। कम प्राइस के कारण उस समय गांव-गांव और शहर-शहर में निर्मा वॉशिंग पाउडर की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। एक छोटी सी दुकान में वन मैन आर्मी से शुरू हुई ये कंपनी देखते ही देखते गुजरात में विशाल रूप धारण कर चुकी थी। निर्मा कंपनी उस समय हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी चुनौती देने लगी थी। ऑलवेज सर्चिंग वैल्यू फॉर मनी, मतलब हमेशा मुद्रा का सही मूल्य खोजना, इस मंत्रा के साथ करसन भाई आगे बढ़ते गए और दिन दुगनी रात चौगनी सफलता हासिल करते गए। उन्होंने गुजरात के अलावा बाकी राज्यों में भी अपना धंधा बढ़ाया, लेकिन उस समय वे पूरे देश भर में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। देश भर के रिटेलर्स और दुकानदार निर्मा से माल तो खरीद लेते थे लेकिन पैसे चुकाने में हमेशा देरी करते थे। इसके कारण कंपनी की कैश रोलिंग पे बुरा असर पड़ने लगा। लेकिन करसन भाई इसकी वजह से कहां रुकने वाले थे। करसन भाई ने कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और बहुत ही सोच विचार के बाद निर्मा कंपनी का सारा माल वापस मंगा लिया। उन्होंने एक बहुत ही जोखिम भरी कार्यनीति अपना ली। उस समय टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन चैनल आता था, इसीलिए करसन भाई ने इस चैनल पे आक्रामक एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीवी पे ऐड देखकर लोग निर्मा वॉशिंग पाउडर की तरफ आकर्षित हुए और दुकानों में जाकर निर्मा का पाउडर मांगने लगे। परंतु सभी दुकानदारों के पास
ग्राहकों को बेचने के लिए माल नहीं था। निर्मा पाउडर के लिए बढ़ती हुई ग्राहक की देखकर सभी दुकानदार फिर से माल ऑर्डर करने लगे, लेकिन इस बार निर्मा की पूरी सेल्स टीम ने बहुत ही सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस के दायरे में माल सप्लाई किया। पाउडर के लिए डिमांड बढ़ने लगी थी, इसीलिए सभी रिटेलर्स अभी माल का पैसा टाइम पर चुकाने लगे थे और इसी के बाद निर्मा वॉशिंग पाउडर का पूरे भारत में डंका बजने लगा। 1985 में निर्मा एक बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय कंपनी बन गई। धीरे धीरे करके निर्मा साबुन, शक्कर, नमक और रोजमराज में लगने वाले अन्य आइटम्स भी बनाने लगी। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के कारण बहुत सारे आइटम नहीं चले, लेकिन निर्मा शुद्ध नमक और निर्मा ब्यूटी सोप को जोरदार सफलता मिली। आज निर्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है जिसमें 18,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। निर्मा कंपनी पूरे विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर अपना कारोबार चलाती है और इसी वजह से निर्मा भारत सरकार को करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू कमा कर दे पाती है। 40 साल पहले जो करसनभाई अपनी दो पहिया साइकिल पर घूमते थे, आज एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के मालिक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।